फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही डिमांडिंग क्रेडिट कार्ड के बारे में, जो कि है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड। क्या कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती है, क्या कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, क्या कुछ बेनिफिट आपको मिलेंगे, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। वीडियो आप लास्ट तक पूरा देखिएगा। चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो, यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का मोस्ट डिमांडिंग क्रेडिट कार्ड में से एक क्रेडिट कार्ड ये आता है, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। अगर इस क्रेडिट कार्ड को आप अप्लाई करना चाहते हो तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फटाफट से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद क्या कुछ बेनिफिट होने वाले हैं, क्या कुछ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे, वो हम सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। वीडियो आप लास्ट तक जरूर से पूरा देखिएगा। देखो, यहाँ पर हम बात करते हैं सबसे पहले इसके चार्जेस के बारे में। तो यहाँ पर इसका ज्वाइनिंग चार्जेस आपको देना पड़ता है 500 प्लस जीएसटी, यानी कि 18% जीएसटी लगने के बाद 590 रुपए के आसपास का आपको ज्वाइनिंग चार्ज देना पड़ता है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर इनका एनुअल चार्ज भी आपको देना पड़ता है, बट कभी कभी ये कार्ड जो है वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यानी कि लाइफ टाइम फ्री भी मिल जाता है, कभी कभी विदाउट ज्वाइनिंग चार्जेस मिल जाता है, तो कभी कभी ऑफर्स पर डिपेंड करता है। तो ये इसके ज्वाइनिंग और एनुअल चार्जेस है। अगर आप एनुअल चार्जेस को वे ऑफ कराना चाहते हो तो आपको 2 लाख रुपए की या 2 लाख रुपए से ऊपर की यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन करनी पड़ेगी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। बात करें इसके फाइनेंस चार्जेस के बारे में, तो अगर आप इसका क्रेडिट कार्ड का बिल जो है वो टाइम पे नहीं करते हो तो आपको 3.6% का एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, जो भी आपका ड्यू अमाउंट होगा। इसके बाद अलावा हम बात करते हैं इसके फॉरेक्स ट्रांजेक्शन के बारे में। अगर आप इस कार्ड को कहीं इंटरनेशनली यूज करते हो तो आपको 3.5% का एक्स्ट्रा चार्ज यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। साथ ही अगर बात करें इस क्रेडिट कार्ड से, अगर आप किसी तरह का कैश विड्रॉ करने की सोचते हैं, और कैश विड्रॉ पहली बात तो एटीएम से करना नहीं चाहिए, अगर आपको इमरजेंसी में करना पड़ रहा है तो 3.5% का एक्स्ट्रा चार्ज आपको देना पड़ेगा कैश विड्रॉ फीस के रूप। अब बात करें इसके वेलकम बेनिफिट्स के बारे में, तो भैया वेलकम बेनिफिट्स जो है वो 1100 रुपए के आपको वेलकम बेनिफिट्स दिए जाते हैं इस कार्ड को यदि आप अप्लाई करते हो, और वेलकम बेनिफिट्स उन्हीं यूजर्स को दिए जाते हैं जिन यूजर्स ने ये क्रेडिट कार्ड ज्वाइनिंग चार्ज देकर के लिए होते हैं, उन्हीं को ये वेलकम बेनिफिट्स दिए जाते हैं। अगर आपने ज्वाइनिंग चार्ज देकर नहीं लिया या आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गया तो आपको ये वेलकम बेनिफिट्स नहीं दिए जाएंगे। अब वेलकम बेनिफिट्स में आपको क्या मिलता है, यहाँ पे 500 रुपए का फ्लिपकार्ट का गिफ्ट वाउचर मिलता है, जो कि आपको मिलने के बाद 30 दिन के अंदर में उसे यूज करना होता है। फ्लिपकार्ट के साइट पर जाकर के आप इसे 30 दिन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको 15% का डिस्काउंट दिया जाता है अप टू 500 रुपीज का मिंत्रा के ऊपर। अगर आप मिंत्रा पे कोई भी शॉपिंग करते हो फर्स्ट 30 डेज के अंदर में इसको भी आपको यूज करना होता है, तो 15% के अकॉर्डिंग मिनिमम 50% का डिस्काउंट और मैक्सिमम डिस्काउंट जो ले सकते हैं आप 500 रुपीज का ले सकते हैं, ये आपको मिल जाता है। साथ में 50% ऑफ अप टू 100 रुपीज का एक डिस्काउंट कूपन मिलेगा, जो कि आप स्विगी पे ऑर्डर करके आप इसे यूज कर सकते हैं। बात करते हैं इस कार्ड को, जो सबसे मेन फीचर आता है इस कार्ड का, भैया कैशबैक बहुत सारे मिलते हैं। तो अगर आप जो है मिंत्रा पे या फ्लिपकार्ट पे पूरा शॉपिंग करते हैं, कुछ भी अगर आप शॉपिंग करते हैं, तो फ्लैट आपको 5% का कैशबैक दिया जाता है, कोई लिमिट नहीं है, कोई कैपिंग नहीं है, 5% का पूरा कैशबैक मिलेगा मिंत्रा या आप फ्लिपकार्ट, इन दो साइड में अगर कहीं पे भी आप शॉपिंग करते हो तो आपको पूरा का पूरा जो है वो 5% का कैशबैक दिया जाएगा। इसके अलावा बात करें, इनके कुछ प्रेफर्ड पार्टनर हैं जिनके यहाँ पे अगर आप शॉपिंग करते हो तो आपको 4% का पूरा कैशबैक दिया जाएगा, जिसमें आपके लिए उबर आ गया है ना, टाटा 1MG आ गया, स्विगी आ गया, क्लियर ट्रिप आ गया, और भी बहुत सारे जो मैं स्क्रीन पे आपके लिए लगा दूंगा। इसके अलावा जितनी भी जगह पे और कहीं पे भी आप इनके अलावा अगर इस कार्ड को यूज करते हो और स्पेंड करते हो तो आपको 1.5% का पूरा कैशबैक दिया जाता है। साथ ही इस कार्ड में आपको 4 जो है डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस भी आपको प्रोवाइड कराया जाता है। अब बात करते हैं लॉन्च एक्सेस क्या होता है, तो बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। तो अगर आप किसी भी एयरपोर्ट पे जाते हो और आपको कोई फ्लाइट ले रही है तो आप लॉन्च एक्सेस में जाकर के बफे यूज कर सकते हो, खाना वगैरह खा सकते हो, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह यूज कर सकते हो, या वाईफाई या उनका अकोमोडेशन, ये सब चीजें बेसिकली आप यूज कर सकते हो अगर आपके पास इस बैंक का क्रेडिट कार्ड है। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है भैया इसका फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ, 1% का आपको फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ मिलता है। मिनिमम जो है ट्रांजेक्शन आपका जो है 400 का होना चाहिए, मैक्सिमम आपका 4000 रुपीज का होना चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है फ्यूल सरचार्ज का वे ऑफ मिलता है 1% के अकॉर्डिंग। मैक्सिमम आप एक मंथ में 400 रुपए का फ्यूल सरचार्ज वे ऑफ ले सकते हैं। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन जो है वो 2500 या 2500 से ऊपर का हुआ है तो आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो ईएमआई में कन्वर्ट करने का भी आपको ये फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। साथ में इस कार्ड में जो एक और बेनिफिट मिलता है, अगर आप कोई से भी रेस्टोरेंट में जाकर के, इनके जो पार्टनर रेस्टोरेंट है एक्सिस बैंक के साथ में, उन रेस्टोरेंट्स में जाकर के यदि आप डाइन इन करते हो तो आपको 20% का फ्लैट डिस्काउंट दिया जाएगा एक्सिस बैंक के फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड। ये कुछ इसके बेनिफिट्स थे। अब बात करते हैं इसके कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि मिनिमम एज जो है वो आपकी 18 प्लस होनी चाहिए, यानी कि 18 प्लस होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज जो है वो 70 तक आपकी होनी चाहिए। साथ में आपका पैन कार्ड चाहिएगा, आपकी सैलरी स्लिप चाहिएगी, ये बेसिक से कुछ डिटेल्स हैं। कभी कभी सैलरी स्लिप वगैरह के बिना भी ये कार्ड आपको प्रोवाइड करा देते हैं। अगर आपके पास प्रीवियस में कोई क्रेडिट कार्ड है जिसका सिविल स्कोर अच्छा है या एक्सिस बैंक का कोई दूसरा क्रेडिट कार्ड है
तो आपको आसानी से एक कार्ड यहाँ पे मिल सकता है। अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप कोई और क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के ऊपर रिव्यू चाहते हो तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना करके जरूर से शेयर करूंगा। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो लाइक करिएगा। चैनल पे यदि घूमते फिरते आओ तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।